अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जनाब, इजिप्ट में आज हमारा तीसरा दिन है और होटल वालों ने हमें जो है वो कहा है कि आप आके अब नाश्ता कर सकते हैं। दोस्त ने पूछा जाके उनसे, तो वो कहते हैं ठीक है, आप रेडी है तो आप नाश्ता कर लें। तो मैं अभी बस सुबह उठा था, मैंने शावर वगैरह किया है, फिर नींद आ गई थी तो अभी बस अगेन मैंने हाथ मुँह धोया अपना और अब मैं जो है ना वो चला गया हुआ है और अब मैं यहाँ से की वगैरह ले कर रूम को लॉक करके तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। होटल का भी मैं आप व्लॉग एक बना के दिखाऊंगा आपको अपना होटल। और अभी जो है वो मुझे नाश्ते के लिए जाना है, ठीक है? और हमारे साथ ही है ये इधर आके बिल्कुल, वो भी मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है? आए मेरे साथ। ये वाला जो है ये हमारा रूम है 933 और यहाँ से बिल्कुल जैसे ही हम इधर आते हैं और यहाँ पर जो है वो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी होगा। और ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आगे हमारा जो भी प्लान होगा इंशाल्लाह वो हम करेंगे अपना, ठीक है? अच्छा जी, नाश्ते में इन्होंने हमें ये ब्रेड दिया है, अंडा है, ये पता नहीं खाली ऐसे ही क्यों दे गए हैं, ये साथ में रोटी है, ये पता नहीं दो तीन क्या चीज़ें हैं, और ये जो जैम जिसे हम बोलते हैं वो है, ये हनी है, ये कुछ ही है बस। तो ये नाश्ता है। लेकिन जो हमें उधर पैरामिड्स में ना ब्रेकफास्ट मिला था वो तो काफ़ी कुछ था, उन्होंने मतलब काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट दिया था। लेकिन चलें, अब खाने के बाद पता चलता है कि ये कैसा है। नाश्ता हमने कर लिया और नाश्ता करने के बाद हम वापस रूम में जा रहे हैं, अपना सामान वगैरह लेंगे और अभी हम यहाँ इजिप्शियन म्यूज़ियम जो है ना वो वहाँ उसके लिए निकलने लगे हैं, ठीक है? तो लेकिन उससे पहले हमें करेंसी चेंज करवानी है अपनी, तो करेंसी लेंगे, देन उसके बाद हम टिकट बाय करेंगे और उसके बाद अंदर जाके जो सीन होता है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अभी हम यार जा रहे हैं अपना मनी एक्सचेंज के लिए। मुझे अपने ना बालों के लिए ऑयल लेना था यार, मुझे मतलब वैसे नहीं है वो, वहाँ पे मार्केट जाना पड़ना था उसके लिए। तो लेकिन पहले अब मैं मनी एक्सचेंज को हमने देखा है, उसके बाद हम अब मार्केट का भी पता कर लेंगे, वहाँ पे भी हमने जाना है और ऑयल और मे बी जेल वगैरह मैं लूँ, देन उसके बाद हम लोग जो है ना वो इजिप्शियन म्यूज़ियम के लिए निकल जाएंगे। और उन्होंने पता चला कि कहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है और अभी यहाँ पे डस्टिंग वगैरह हो रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आई थिंक डाउनटाउन एरिया है और बड़ी यार बिजी स्ट्रीट है यहाँ की। तो अभी हम अब मनी एक्सचेंज करवाने के बाद देखें इजिप्शियन म्यूज़ियम जाते हैं और अगर हमें बाकी चीज़ें भी मिल गई तो हम वो भी ले लेंगे। तो अब हमने मैप लगाया हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि कोई मनी एक्सचेंजर मिल जाए हमें, देन उसके बाद हम जो है ना अपना पैसे चेंज करवा लें और रेट भी देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा देगा हमें। तो अब चलें देखते हैं कि मेरे इर्द गिर्द आप इतना सारा देख सकते हैं। चलें अब चेक करता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ आपको कि हमें जो है वो करेंसी एक्सचेंज के लिए यहाँ पे ही जगह मिल गई थी। ये जो मेरे बैक साइड पे है वो शायद कोई खड़े हुए हैं, तो मनी वगैरह फुल एक्सचेंज हो गई है और रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा मिल गया। अब हम यहाँ से इंशाल्लाह जाते दफ़ा अगर कुछ सुपर मार्केट भी हमें मिल जाती है तो मैं अपने लिए ऑयल और जेल वगैरह लाजमी ले लूँगा, वरना अभी फिर हम जो है ना वो जा रहे हैं इजिप्शियन म्यूज़ियम की तरफ। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। प्लान काफ़ी सारी लोकेशंस की हुई हैं लेकिन अब वहाँ तक पहुँचना कैसे है ये भी सारा एक प्लान करना है। तो उसके लिए ऑप्शंस अब मल्टीपल हैं, होटल वाले भी ऑफर कर रहे हैं, ऊबर भी है, येलो टैक्सी है और भी काफ़ी सारे हैं। अब देखते हैं उनमें से जो चीप पड़ा वो हम चूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम लोग जो है ना वो आगे जाएँगे। और ये हमें हम कल रात को ये वाली 5 लीटर वाली जो बॉटल है पानी की ये देख रहे थे लेकिन हमें मिल नहीं थी रही, हम तो बहुत आगे दूर तक गए हैं लेकिन फाइनली अभी ये भी मिल गई है, ये साथ ही मनी एक्सचेंजर्स के साथ हैं। तो अब हम खैर ये भी इंशाल्लाह ख़रीद के अपने लिए रख लेंगे क्योंकि अब हमारी एक ही होटल में स्टे है और यहीं से हम आगे जहाँ पर भी जाना हुआ जाएँगे। तो चलें अब आगे का व्यू देखते हैं, अब आगे क्या सीन होते हैं, आए मेरे साथ। फाइनली हमें अब वहाँ से एंट्री मिल गई है, वो शायद भाई एक बार इनको दिखा दें, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है और वहाँ से एंट्री लेने के बाद आगे हमने उधर जाना है, उस तरफ से हमें टिकट मिलेगी और टिकट लेने के बाद अंदर हम इजिप्शियन म्यूज़ियम के अंदर जा सकते हैं। और अभी इधर इसके पीछे जो है वो नाइल रिवर है और वो तहरीर स्क्वायर है और यहाँ पर ये सारे होटल वगैरह और पता नहीं सुपर मार्केट्स जो कुछ भी है ये उस तरफ हमारा होटल है, बहुत नज़दीक है, बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं हार्डली यहाँ आने तक।
और ये सारी स्ट्रीट वगैरह बहुत बिजी है। जो रात को मैं स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम पे लगा रहा था, अगर आपने हमें फॉलो किया हो इंस्टाग्राम पे, तो ये मेरे पीछे छोटे छोटे परिंदे हैं, आप देख सकते हैं ये भी। और मतलब बहुत अच्छी यार खूबसूरत लोकेशन है पूरी, वो देख सकते हैं पीछे पुलिस वगैरह वाले भी खड़े हैं। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है इनका पूरा, मतलब चेक इन चेक करने के बाद, सर्च करने के बाद उन्होंने हमें वहाँ से एंट्री दी है। और यहाँ पे भी पुलिस है, उधर वो टिकट वाला बंदा है। अब हम जाके टिकट लेंगे और उसके बाद अंदर जाके हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे। लेकिन यार यहाँ पे आए हैं तो हमें ये सीन जो है ना, इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि ये लोग इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे कि आपने यहाँ वीडियो नहीं बनानी, वहाँ नहीं बनानी। लेकिन वो जो हम पैरामिड्स में थे, वहाँ पे एंट्री के टाइम पे उन्होंने मना किया था, लेकिन अंदर जाके वो कहते हैं ठीक है बना लें, कोई मसला नहीं। पता नहीं क्या वजह थी। एनीवेज अब जो भी है, चलें अब अंदर चलते हैं, टिकट बाय करते हैं। और टिकट की प्राइस थी आई थिंक 240 इजिप्शियन पाउंड्स। सो टिकट लेंगे, उसके बाद हम अंदर चलेंगे और अंदर जाके जो कुछ भी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ, और मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें और एक्सपीरियंस करते हैं इन चीज़ों पे। चलें आए मेरे साथ। ओके जी, फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया, वो इजिप्शियन म्यूज़ियम है पीछे हमारे, और अब यहाँ से हम लोग जो है ना वो जाएँगे अपना अंदर, और टिकट वगैरह ये वाला जो काउंटर है यहाँ से हम सबको टिकट्स वगैरह मिलेंगी। और हम दोनों ने ले ली हैं टिकट वगैरह, और अब हम जो है अपना वो इजिप्शियन म्यूज़ियम के लिए जा रहे हैं। लेकिन यार उससे पहले रुकें ज़रा, मुझे दो चार पिक्चर्स तो क्लिक कर लूँ, मैंने पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे। शायद भाई प्लीज़ यार चलें, वीडियो वगैरह सॉरी पिक्चर्स वगैरह जो है वो बन गई हैं, अब हम अंदर जाने लगे हैं उधर वहाँ पर, और अब अंदर जाके देखते हैं यार। सरजमीन मिस्र पे हमारे जो है वो व्लॉग्स बन रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम आए हैं यहाँ पे। अब चलें अंदर चलते हैं, और अगर अल्लाह के फजल करम से, मुझे उम्मीद है कि वीडियोस वगैरह का रोकेंगे नहीं, लेकिन स्टिल अगर कहा तो अंदर जाके बनाएंगे, लेकिन बनानी ज़रूर है यार, व्लॉग्स के बगैर ज़िंदगी अधूरी हो जाती है अब तो। चलें अब हम अंदर जाने लगे हैं, मे बी सिक्योरिटी की वजह से कोई मसला हो, तो ये सीन है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अब हम अंदर चले जाएँगे, चलें अब अंदर जाके मैं बनाता हूँ, ठीक है। ओके जी, टिकट वगैरह लेने के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं, और यार यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, मैंने एक बार वैसे चक्कर लगाया, और अब मैं दोबारा से जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यानी कि अंदर आने के बाद एक दफ़ा देखा है कहीं पे कोई पाबंदी कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। तो ओवरऑल उन्होंने कहा है कि पुलिस वगैरह की वीडियो आप नहीं बना सकते, बाकी आप जितना जो दिल करता है आप रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो अब मैं जो है रिकॉर्ड करूँगा बैक कैमरे से, और मैं आपको स्लोली स्लोली चलता जाऊँगा, सारा दिखाता हूँ म्यूज़ियम के यहाँ पर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, और इनके साथ में जो है ना वो अटैच है हिस्ट्री वाली प्लेसेस भी, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है सारा मैप वगैरह है, और ओवरऑल इसकी हिस्ट्री है, ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फुल वाइब्स ऑन है यहाँ पे, लोग आप लोग देख सकते हैं कि लगे हुए हैं सारा पिक्चर्स वीडियोस क्लिक करने। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ से जहाँ से हम एंटर हुए हैं वहाँ पर थोड़ा सा पुलिस एरिया, वो कहते हैं कि यहाँ पर आप ना बनाएं वीडियो, बाकी आप जहाँ दिल करता है बना लें। तो अब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा दूसरी तरफ से, और मैं टोटल जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो इसका ये जो नीचे हाल है वो जो आप पीछे बिल्कुल नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, वहाँ से लेके वो जो फुल गली आएगी मैं आपको दिखाता जाता हूँ, आप लोग देखते जाएं कि इस म्यूज़ियम में है क्या पड़ा हुआ। तो चलें अब वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, पता नहीं कितनी लंबी होगी, लेकिन होगी लंबी, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो फिर मैं इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। तो चलें अब मैं आपको दिखाता जाता हूँ, आप लोग देखते जाएँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहाँ से, ठीक है। तो चलें आ जाए मेरे साथ।